नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं हूं विवेक पांडे। बात करते हैं तुला राशि के बारे में। तो देखिए, साथियों संग रिश्ते की एक नई शुरुआत होगी, नई शुरुआत। स्वास्थ्य में सुधार भी होगा, लेकिन एक सलाह ये है कि अधिक धन खर्चे से आपको बचना होगा। अधिक खर्चा करेंगे तो इससे आपको नुकसान हो सकता है, खर्चे से बचिए। और अब देखिए, सबसे ज़रूरी बात यह है कि किसी भी समस्या का शांति से समाधान निकालने का प्रयास कीजिए। क्या होता है कि समस्या के वक्त अगर हम उग्र होते हैं या समस्या के वक्त हम क्रोध करते हैं, गुस्सा करते हैं, तो हमारी समस्या सॉल्व नहीं होती, वो समस्या हल नहीं होती, बल्कि वो समस्या पायदान दर पायदान बढ़ती चली जाती है और बड़ी होती चली जाती है। तो इसीलिए समस्या को हल करने का सबसे अच्छा तरीका है खुद को शांत रखना। आप खुद को जितना शांत रखेंगे, शांत मन से सोचेंगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा और समस्या को भी आप हल कर पाएंगे। इसके साथ ही साथ आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी सफल होंगे। बहुत ज़्यादा अपने लक्ष्य के प्रति, अपने काम के प्रति मोटिवेटेड बने रहिए। अगर हम आपकी रोमांटिक लाइफ के बारे में बात करते हैं, तो देखिए यहाँ पर आपका जो रिश्ता है, आपके पार्टनर संग आपका जो रिश्ता है वो खासा मजबूत होगा। और इसके साथ ही साथ एक नई शुरुआत करने के लिए ये जो समय है ये बहुत शुभ और बहुत अनुकूल है। अब चाहे आप सिंगल हों, रिलेशनशिप में हों, या फिर अपनी इच्छाओं के बारे में आप पता लगाना चाहते हैं, तो अपने पार्टनर से खुलकर बातचीत कीजिए और बहुत ही सुलझी हुई बातचीत कीजिए। प्यार के मामले में आगे बढ़ने से बिल्कुल भी संकोच मत कीजिए। जितना संकोच करेंगे उतनी आपके लिए दिक्कतें होती जाएंगी। करियर को लेकर भी काफ़ी सौभाग्यशाली आप बने रहेंगे। करियर को लेकर आपको बहुत ही अच्छा एडवांटेज और बहुत ही लगन भाव से अगर आप लगे रहेंगे अपने करियर में, तो यहाँ से आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। और अपने कार्य क्षेत्र से आपको नए अवसर भी मिलेंगे। और सबसे अच्छी बात कि आपके कार्यों की प्रशंसा होगी, लोग आपके कार्यों की तारीफ करेंगे, आपके काम की वाहवाही होगी और आपको नई सफलता, नई पहचान भी मिलेगी। लेकिन लोगों के साथ विनम्र स्वभाव से जितना रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। विनम्रता आपको वो सब कुछ दिलाएगी जो आप इस जीवन से चाहते हैं। आपकी आर्थिक स्थिति भी प्रभावित रहेगी, इसीलिए सोच समझकर अपने धन को खर्च कीजिए।